बैक माय यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कबूतरों, जो उड़ान वाले कबूतर होते हैं हमारे, उन्हें हम कैसे पता करें कि ये कबूतर मेरे तैयार हो चुके हैं अब उड़ने लायक। ठीक है दोस्तों, तो आपने कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा आज। और कल की जो वीडियो मैंने डाली थी, बहुत ही भाइयों का कमेंट्स आया था, मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि भाई आप मोतीवाल बेचते हैं। तो मैं मोतीवाल दोस्तों नहीं बेचता हूँ, जो बेचते हैं उसका नंबर मैंने दे दिया है उन सब भाइयों को, और वो भाई भी उनसे ले लें। ठीक है दोस्तों, और जिनको नहीं मिला है वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, मैं उनको नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप पर। ठीक है दोस्तों, और बहुत से भाइयों का कॉल भी आया था कल, कम से कम 20-25 बंदों का कॉल आया था कल मुझे, रात को 11:30 बजे तक कॉल आते रहा, भाई आप नंबर दे दें प्लीज़, आप नंबर दे दें। दरअसल बात ये है कि ये जो सीज़न है, अभी जो टाइम चल रहा है अप्रैल मई का, लास्ट मई कबूतरबाजियों का ही है दोस्तों, इसमें कबूतरबाजी की एंड है, इसलिए लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि मुझे, मेरे पास ये नुस्खा मिल जाए, मेरे पास ये नुस्खा हो जाए। तो भाई आपका बैठा हुआ है आप सबको बताने के लिए, बाकी टेंशन नहीं लेने दोस्तों। आप सबने भाई को जैसे जैसे वीडियो डालेगा वैसे वैसे आप वीडियो देखते रहें, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज भी मिलेगी और कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, ताकि नए पुराने जो भाई हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज मिले, वो कुछ सीखें। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो से बहुत कुछ ही सीखने को मिलेगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं कि परवाजी कबूतर की पहचान क्या होती है, कैसे होती है, हमने कबूतर में क्या क्या देखना है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं, और अपने भी अपने कबूतर को ऐसे ही चेक करना है, देखना है, वो कबूतर आप उड़ाएँ 100% काम करेंगे वो आपके कबूतर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज आपको बताते भी हैं कि कबूतर को कैसे देखना है और क्या क्या चीज़ उसमें पहचानना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो गौर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ये देखें पीछे दाना शाना कबूतर खा रहे हैं, दाना का टाइम हो गया था, ये देख लें दाना शाना खा लेंगे इनको, तब मैं आपको शौक कराता हूँ कि कबूतर कैसे होते हैं, परवाजी कबूतर जो कि वजूद के होने चाहिए। तो ये देखें दोस्तों, ये कबूतर है मेरे हाथ में एक। ठीक है दोस्तों, आपने अब कबूतर में, अपने कबूतर में देखना क्या है, देखे सबसे पहले दोस्तों आपने कबूतर का पर देखना है, कबूतर का पर कैसा है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये देख ले पर, इसके पहले ये पर टेढ़ा हो गया है पकड़ने में, तो ये देखे दोस्तों ये पर। ठीक है दोस्तों, इस पार को देख ले गौर से, बगले देखे कहाँ जा रही हैं इसकी, पार देखे कहाँ जा रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, और पार में जो ये पार है, ये पार देखे कैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं, पहले पार, पहले तीन पार। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी तरफ का देखें, ये देखे दूसरी तरफ का, ये देख रहे हैं ना, ये देखें, ये बगले देखें और पार देखें। ठीक है दोस्तों, गौर करें पर पे, ये देखें, अब मैं आपको इसके पंजे दिखाता हूँ, ये देखें, ये चीज़ देखें दोस्तों, ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये चीज़ देखना है आपने, फिर आँख देखना है आपने, ये देखें, ये देखें, ये देखें, परवाजी कबूतर जब भी होंगे तो इस टाइप के होंगे, आँख उसकी वाइट लाल डोर डोरे। ठीक है दोस्तों, ये तरफ दूसरी आंख देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको उसके पंजे दिखाता हूँ, ये देखें पंजे देखें इसके कैसे खुश्क पंजे हैं। ठीक है, हल्के जामुनी हैं। ठीक है दोस्तों, अब टेल देखें इसकी, ये देख ले, मैंने ना पकड़ा है ना कुछ किया, ये देख ले। ठीक है दोस्तों, और आपने एक चीज़ गौर करना है कबूतर के
जब भी आपका कबूतर हो, ये चीज़ जो होनी चाहिए, शिप, ये जो शिप है नीचे से हड्डी, ये गोल नहीं होनी चाहिए ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस तरह की गोल नहीं होनी चाहिए, वी टाइप का बना होना चाहिए। ये देखें कबूतर को आप पकड़ के देखें, इस टाइप का वी होना चाहिए, ये वी टाइप का बना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ देखें, ये देखें, ये बन रहा है ना, इस टाइप का वी बना होना चाहिए। परवाजी कबूतर का यही निशानी है दोस्तों, जब भी आप कबूतर को देखें तो उसके नीचे से ये हड्डी जो है, ये देखें, आपको सीधे नज़र आ रही होगी, हड्डी जो है इसकी बाहर निकली हुई है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। और आपने जब भी हड्डी को ऐसे छूना है, ये देख लें आप, ये देख रहे हैं ना, इसके कुंदे कैसे बाहर निकले हुए हैं, ये हड्डी कैसी बाहर निकली हुई, और ये पट देखें इसकी, ये देखें, ये पट दोनों लग रहे हैं, ये देखें, ये मैं छू रहा हूँ कबूतर को, ये देखें कैसे पट लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये कबूतर है, एक दो कबूतर का और शौक कराता हूँ आपको मैं, ये देखें इस कबूतरी को देखें आप, इसका कुंदा देखें, ये देखें, हालांकि ये दसवीं अभी निकाल रही है, छोटी है थोड़ी इसकी, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, इसके कुंदे में दोस्तों थोड़ा सा भी हवा जाने के लिए जगह नहीं है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये पर देखें, इसके पर में थोड़ी सी भी हवा जाने के लिए जगह नहीं है, और इसका पल्ला देखें किस तरफ को अंदर जा रहा है, ये देखें, ये देख रहे हैं किस तरफ को अंदर जा रहा है, ये देखें, ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये पर देखें कैसे कर्व ले रहा पर, ठीक है दोस्तों, इधर से बाहर गया फिर अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरफ का पल्ला देखें, ठीक है दोस्तों, ये पल्ला देख लें, ये तेज पर की निशानी है, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये जो पल्ला है ये तेज पर की निशानी है, ये कबूतर तेज तेज उड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसकी टेल दिखाता हूँ, ये मादी है, ये देखें मादी की टेल खुली हुई, कबूतर का टेल बंद रहेगा, जब भी देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देख ले, ना मैंने छुआ है ना कुछ किया है, इसके पंजे देखें, ये देखें, इसके पंजे भी हल्के रेडिस्ट में हैं और खुश्क हैं, ठीक है दोस्तों, ये देख ले। अच्छा, इसकी हड्डी भी देखें, ये देखें, इसकी हड्डी भी देखें, ठीक है दोस्तों, ये देखें, इसकी हड्डी भी निकली हुई है ना, ये देखें, इस टाइप से देखें आप, ठीक है दोस्तों। कुंदा देखें दोनों बाहर निकला हुआ है कबूतर का, कबूतरी का, ठीक है दोस्तों। अब आपको ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये देखें, इस टाइप से भी देख सकते हैं, ये चीज़ गोल नहीं है, वी टाइप की बनी हुई है, इस तरफ देखें गोश है कि नहीं है, ऐसे उंगली घुसा के देखें गोश है कि नहीं है उसके, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल जाएगा। और पर आपको मैंने दिखा दिया, पंजे भी दिखा दिया, आँख का शौक कराता हूँ मैं आपको, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये देख लें, ये टैडी मार्जिन है मेरी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरी तरफ की आँख दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये देख लें, ये देखें, ठीक है दोस्तों। चले अब आपको तीसरा कबूतर भी दिखाते हैं, दो तीन कबूतर का शौक कराते हैं, ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये कबूतर है मेरे पास, इसका शौक करें, इसके पर देखें पहले, हालांकि पर इसके ठीक हैं, ठीक है दोस्तों, ये देखें पर में कमी नहीं है, कबूतर बहुत ही तेज़ है, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ, ये कबूतर क्यों नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये देखें नीचे से देखें आप, क्योंकि ये वजूद में बना नहीं है अभी, ठीक है दोस्तों, ये कबूतर नहीं उड़ सकता, क्योंकि ये देखें नीचे से पूरा गोल है ना, ये देखें, ये चीज़ देखें, ये गोल है, इसकी ना हड्डी दिखाई दे रही है सही से ना कुछ, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये गोल है ना पूरा, ये देखें, तो इस ये चीज़ देख के आप कबूतर को समझ जाएं कि कबूतर मेरा कौन सा कबूतर बना है, कौन सा कबूतर नहीं उड़ा है, बना है, ठीक है, कौन सा कबूतर मेरा उड़ेगा, कौन सा कबूतर नहीं उड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी ये टेल देख लें इसके, ठीक है दोस्तों, ये पंजे देख लें, बहुत ही तड़प रहा है कबूतर, ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये पंजे हैं इसके, ये देखें।
खुश्क लाल जामुनी, खुश्क लाल है इसके, जामुनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी आँख भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये देखें, इस तरफ की आँख देख लें आप, ये दूसरी तरफ की आँख देखें, ये देखें। दरअसल ये कबूतर पकड़ने नहीं दे रहा, ये देखें। ठीक है दोस्तों, चलें। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, जैसे ये देखें, इसके पंजे देखें कितने मोटे हैं, ये देख रहे हैं, ये पंजे देखें कितने मोटे हैं। बाकी उन कबूतरों के पंजे पतले थे, ये चीज़ गौर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो कबूतर के पंजे भी मोटे रहेंगे वो कबूतर नहीं उड़ सकेंगे, ये देखें। ठीक है दोस्तों, वो कबूतर कभी नहीं उड़ सकेगा और कभी काम नहीं कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, ये कबूतर था वो। और बाकी दोस्तों ये सब कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर। तो जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सब भाइयों तक जल्द से जल्द पहुँचे, यही टिप्स है। मैं भी अपने कबूतरों को ऐसे ही देखता हूँ दोस्तों, जब मेरे कबूतर तैयार हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले बारी की एक कच्ची फड़के होती हैं, एक पक्की फड़के होती हैं। तो कच्ची फड़के जब ले लें तब आपके कबूतर देख लें बन गए हैं, तो उसे पक्की फड़कों में डालें। वो चेक कर, कैसे चेक करना है तो ये आज तो मैंने आपको बता दिया है। बस इसी तरह आपने चेक करके पक्की फड़कों में कबूतर डालना है, तब आपने अपने कबूतर आम वाली खुराक खिलाना स्टार्ट कर देना है। तब आपका कबूतर धीरे 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 टाइम अपने बढ़ाते जाएगा। जैसे जैसे खुराक आप गोलियां एक से स्टार्ट करेंगे, दो देंगे, तीन देंगे, चार देंगे, पाँच देंगे, सात देंगे, आठ देंगे, जैसे जैसे आपका कबूतर गोलियां बढ़ाते जाएगा उसी तरीके से आपका कबूतर टाइमिंग भी बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका है, आपने कबूतर को इसी तरह चेक करना है, चेक करके पक्की फिरतों में डालना है। अब फिरतों में डाल के फिर अपने कबूतर को वो खुराक खिलानी है और अपने कबूतर आपके अच्छे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो नए हैं जो पुराने हैं भाई उनको इस सब चीज़ की नॉलेज मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी कल भाइयों ने बहुत ही कमेंट्स किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से हैं, तो मैं बिहार से हूँ। ठीक है दोस्तों, और नाम शर्मा भाई सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तभी आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पाएंगे, वरना आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी नहीं दबाइएगा, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ना आप कुछ सही तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, लाखों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पर मेरे ऐसा आपको सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैं ये 100% आपको बता दे रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी, करना है या नहीं करना है, मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आप मेरे चैनल को ही ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरा काम है कहने का, इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो जो आज टिप बताया है दोस्तों वही टिप अपनाएं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।